हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए सब लोग ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, रजाई में रहें, और ख़ासकर इस समय पे 8 बजे का टाइम जो होता है ना। अच्छा भैया, ओके। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। कुछ नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिंग से, स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे चीज़ों को, और धीरे 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 हम अपने लेवल को पकड़ेंगे। गुड इवनिंग भाई। नमस्ते सर। पहले तो मैच के बारे में बताओ। सभी को मैंने पहचान लिया भाई, जितने भी हैं नमस्ते भाई, ठीक है ना? ओके, तो शर्ट्स और इंडिसेस हम आज से स्टार्ट करेंगे। घातांक एवं करणी चैप्टर जो है, एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस वजह से होती है? क्योंकि इसके सवाल ना देखने में बड़े भयानक होते हैं। देखने में सवाल डरावने लगेंगे, कठिन लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो सवाल इजी होता है। जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं ना, आजकल एग्जामिनर की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि सवाल बच्चे को आसान ही दिया जाए, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बच्चों को दिया जाए कि उसको देखने में वो कठिन लगे, है ना? तो ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है। तो कैसे चीजों को आसान किया जाएगा वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। प्रैक्टिस मैं आपको दबा के कराऊंगा, बिल्कुल दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू भाई, नमस्ते, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक एवं करणी, बचपन में सभी लोगों ने पढ़ाए पढ़ाइए 5वीं क्लास से ही यह चैप्टर शुरू हो जाता है। 5वीं 6ठी 7वीं सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं आता, पहले से ही रोना शुरू कर दो अपना, रोना बिल्कुल भी नहीं आता। हाय मैया, मर गए, कैसे होगा, बताओ सर कितने दिन में हो जाएगा। पहले से रोना थोड़ा कम करो, आज से स्टार्ट किए हो, जब तक अंत होगा तो या तो तुम अंत हो चुके होगे उस चैप्टर में, या फिर वो चैप्टर सही से अंत हो चुका होगा तुम्हारे दिमाग में। तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा भरोसा रखो, है भैया? ये मिलावटी गेहूं खा खा के तुम लोग भी जो है मिलावटी हो चुके हो, धैर्य नाम की चीज नहीं बची है। अच्छा देखिए, आप लोग गुणा करना जानते हो, सभी लोग गुणा करना जानते हैं, पर गुणा जब जरूरत से ज्यादा लंबी बन जाए तो सरदर्द बन जाती है, और इस सरदर्द को छोटा करने के लिए ये चीज इजात हुई है। जैसे मैं आपसे कहूं, मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं 7 × 7 इंटू सेवन इंटू सेवन, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7, है ना? हमने 7 की 40 बार गुणा करी है। 7 × 7 × 7 × 7 कितनी बार? 40 बार, 40 बार। समझ में आया? 7 × 7 × 7 × 7 कितनी बार गुणा हुई? 40 बार गुणा हुई। क्लियर है? तो आप एक बात बताओ, एक तो कैलकुलेटर में आप 7 की 40 बार गुणा करके लिखो, वो सही होगा, या फिर आप इस तरीके से लिखो 7 × 7 × 7 × 7 40 बार। अब इस तरीके से बार बार लिखने में चीजों को प्रॉब्लम होती है। इसी चीज को आसान करने के लिए आदमी ने एक तरीका जो है ढूंढ लिया कि 7 × 7 × 7 × 7 की अगर 40 बार गुणा है तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, 7 की पावर 40, 7 की पावर 40। तो हम इस चीज को ऐसे ना लिख के, इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके, इंसान ने एक शॉर्ट तरीका ढूंढ लिया 7 की पावर 40। तो 7 की पावर 40 होने का, या किसी भी संख्या की पावर होने का, या घात होने का यही मतलब है कि उस संख्या की कितनी बार गुणा की गई है। तो दोस्तों, ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये होता है मेरे प्यारे भाई बेस, ये होता है बेस। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको आधार, हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग इसको? आधार। और ये जो पावर है, ये जो 40 है दोस्तों, हम लोग कहते हैं इसको पावर, पावर। और हिंदी में दोस्तों हम लोग कहते हैं इसको घात। बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई परेशानी?
हाँ यूपीएसआई के लिए भी है, भाई एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है, थोड़ा बस लेवल का ऊपर नीचे होता है। जैसे आज एनटीपीसी का पेपर हुआ, सवाल वही आए जो सीएचएसएल में आते, जो एमटीएस में आते, जो सीजीएल में आते हैं। बस क्या है कि उनका थोड़ा सा लेवल आसान होता है, तो हम यहाँ पे हर एक लेवल की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम जो यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे वो मैक्सिमम एसएससी मेंस लेवल तक जाएगा, ठीक, कोई परेशानी नहीं इसमें। सर जहर पिलाओ, बेटा अभी से जहर पिला देंगे ना तो तुम फिर जो है परलोक से धार जाओगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो धीरे धीरे करके चीजों को करेंगे, ठीक है ना। 7 की पावर 40, ये आपको समझ में आया क्या, इसमें कोई परेशानी? तो ये जो 7 की पावर 40 है दोस्तों, इसी को हम बोल देते कि ये तुम्हारा एक इंडाइसिस है जिसका बेस 7 है और पावर किसकी, पावर क्या है इसकी, 40, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इंडिसेस के नियम होते हैं, घातांक के कुछ नियम होते हैं जिस पे आपका इंडिसेस जो है वो चलती है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जैसे कोई नंबर ए है, अगर आप ए की एन बार गुणा करोगे, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, कितनी बार गुणा कर रहे हो, एन बार, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब हो गया ए की पावर एन। मतलब पावर एन का मतलब क्या होगा कि आपने जो भी बेस है, यहां पे बेस क्या है, ए, बेस को कितनी बार गुणा कर दिया आपने, एन बार गुणा कर दिया। क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सेकंड बात, गुणा में पावर जो है वो हमेशा जुड़ जाती है, लेकिन क्या बेस सेम होना चाहिए बच्चों? बेस सेम होना चाहिए। ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी, अगर आप गौर से देखोगे तो बेस सबका सेम है ए, बेस सबका सेम है ए, पर पावर क्या है, यहां पे एम, यहां पे एन, यहां पे पी, पावर अलग अलग है। तो अगर बेस सेम है ए तो आप पावर को ऐड कर दीजिए एम प्लस एन प्लस पी। क्लियर? कोई परेशानी? जैसे मैं आपसे कहूं 2 की पावर 7 × 2 की पावर 3 है तो आपको क्या करना है दोस्त, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप यहां पे समझ सकते हैं कि बेस दोनों जगह सेम है, 2 2, और बेस सेम है और यहां पावर 7 है, यहां पावर 3 है, तो दोनों को ऐड कर देना 2 की पावर 10, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है ये इस समय कैरवी लैब और यूट्यूब दोनों पर ही लाइव चल रही है, ठीक है ना, केवल आज के लिए, है ना। गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो लाइव चल रही है और कैरविल एप्लीकेशन पर तो आप लाइव देख ही रहे हो। हाँ कोर्स बाइलिंगुअल है, ठीक है ना, कोर्स बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। देखिए हम पढ़ा कुछ रहे, बच्चे कहीं और की बात ले जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर हम डिवाइड में चीजों को डिस्कस करें, डिवाइड में अगर मैं ए की पावर एम को ए की पावर एन से भाग करता हूं तो 3 केस बनते हैं। देखिए या तो एम एन से बड़ा होगा, या फिर एम एन से छोटा होगा, या फिर एम एन के बराबर होगा। अगर पावर एम एक, अगर पावर एम एन से बड़ा है, सिंपल सी बात है, गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी और डिवाइड में जो पावर है वो घट जाएंगी। अगर एम एन से बड़ा है, ए की पावर एम को ए की पावर एन से डिवाइड करेंगे, बेस दोनों जगह सेम है ए ए, हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी। एम बड़ा है एन से तो पावर क्या हो जाएगी, एम माइनस एन। जैसे हम आपसे कहें 2 की पावर 7 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करके क्या आएगा, तो बेस यहां पे दोनों जगह सेम है, हैं भैया। अब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना है, 8। ये सबको समझ आया, क्लियर है, आगे चलें। लेकिन अगर न्यूमरेटर में पावर छोटी है, डिनोमिनेटर यानी कि हर में पावर बड़ी है, जैसे कि हम आपसे कहें कि ये हो गया 3 की पावर 5 और दोस्त ये हो गया 3 की पावर 11,
तो क्या होगा? तो यहां देखिए बेस तो दोनों जगह सेम है, तीन बेस तो दोनों जगह सेम है, ऊपर पावर पांच है, नीचे पावर ग्यारह है, तो पावर ग्यारह बड़ी है पावर पांच से। उस केस में क्या होगा? वहां पे होगा वन अपॉन, तो हमको हमेशा बड़ी पावर में से छोटी पावर को घटाना है, नीचे बड़ी पावर है, तो तीन की पावर क्या हो जाएगा? ग्यारह माइनस पांच, यानी कि वन अपॉन थ्री की पावर सिक्स, वन अपॉन थ्री टू द पावर सिक्स। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई परेशानी है? अगर m और n बराबर हो गए तो इसमें ज्यादा सोचने नहीं है। अगर दोनों पावर बराबर हो गई तो अंश और हर दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, उस केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी? वन। ठीक, इसमें किसी को कोई परेशानी है? सबको समझ आ गई ये वाली बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, दूसरी बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है शर्ड्स का, ये वाला ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर हम होल पावर करते हैं, मैं आपसे कहता हूं ए, ए कोई बेस है, इसकी पावर एम, और होल पावर किया, होल पावर का मतलब ये ब्रैकेट हो गया, ए की पावर एम की कंप्लीट पावर किया है, समझ में आया कि नहीं? ए है, ए की पावर हमने एम किया, फिर होल पावर करने का मतलब ए की पावर एम को ब्रैकेट में लगा के हमने पावर किया। तो जब हम होल पावर करते हैं तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर एम उसकी होल पावर एन का मतलब, आप ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहां पावर एम है, यहां पावर एन है, तो अगर होल पावर है तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एम इंटू एन। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई परेशानी? सेम इसी प्रकार से मैं कहूं ए की पावर एन और इसकी होल पावर एम है, ए की पावर एन दोस्त और उसकी होल पावर एम है, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम होल पावर करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, पावर है एन और फिर एम, तो एन इंटू एम। बोलिए क्या इसमें कोई तकलीफ है? सर कंप्यूटर और यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी कंप्यूटर नहीं, मोबाइल पे ही देखना है भाई, राधे राधे। ठीक है, सबको समझ में आया? वीडियो रहेंगी आपके पास, अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद भी आपके पास बहुत लंबे समय तक वीडियो अवेलेबल रहेंगी रिविजन के लिए। ठीक है, बस आपको बस ढंग से पढ़ना है, सपोर्ट हमारा 203% है, चिंता मत करिए। तो आप एक बात बताइए, यहां भी ए की पावर एम इंटू एन है, यहां भी ए की पावर एन इंटू एम है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, तो मैं ये चीज बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि ए की पावर एम उसकी होल पावर एन बराबर होता है ए की पावर एन उसकी होल पावर एम के। कह सकता हूं कि दोनों बातों का एक ही मतलब है, ए की पावर एम इंटू एन। क्या इसमें कोई परेशानी है? सबको समझ में आया? कोई तकलीफ? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये सारी चीज जो भी मैंने आपको बताया ना, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सपोज ऐसे लिखा हुआ है थ्री की पावर फोर उसकी होल पावर फाइव, और ये लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई थ्री की पावर टू उसकी होल पावर फोर, और तीसरा लिखा हुआ थ्री की पावर टू और टू की पावर फोर, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? क्या ये दोनों बातें सेम हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आज तक इस बात का ही मतलब नहीं पता होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, बताइए। वो कहेंगे सर यहां ब्रैकेट है, यहां ब्रैकेट नहीं है, बस इतना ही फर्क है। अरे लल्लू, इतना नहीं है भाई, ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हुआ है तीन की पावर दो और उसकी होल पावर चार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया तीन की पावर दो और उसकी होल पावर चार, मतलब ये हो जाता है तीन की पावर दो इंटू चार,
आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, गुणा क्यों हो जाती है? गुणा इसलिए होती है मेरे प्यारे भाई, आप बताओ 3 की पावर 2 की होल पावर 4 है, इसको आप एक नंबर समझो, 3 की पावर 2 की होल पावर 4 है। तो हम ये कहना चाहते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। बोलिए, तो आप कहोगे 3 की पावर 2 की 4 बार गुणा, यही तो मतलब हुआ। फिर आप कहोगे सर 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3। 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार गुणा 2 बार गुणा 2 बार गुणा 2 बार गुणा, तो टोटल 3 की 8 बार गुणा हो गई। और इसी बात को हम ये कह देते हैं कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, 2 4 6 8। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये मतलब कहने का हुआ 3 की पावर 2 × 4, ये है दोस्त 3 की पावर 8, ये क्या है 3 की पावर 8। और यहां लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2 की पावर 4। जब भी पावर की पावर, पावर की पावर, पावर की पावर होती है तो चीजें हमेशा ऊपर से सॉल्व होना शुरू होती हैं। आप ये देखे 2 की ऊपर से समेटते हुए लाते हैं, जब आप ऊपर से आएंगे मेरे प्यारे भाई तो आप ये समझ रहे हैं कि यहां 2 की पावर 4 है। और 2 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16। तो दोस्त ये तो 3 की पावर 8 है और ये 3 की पावर 16 है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बात समझ में आई क्या? इसमें कोई तकलीफ? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि a की पावर m और इसकी होल पावर n करिएगा, या फिर आप a की पावर m उसकी पावर एन करिएगा, दोनों चीजें सेम नहीं होती, इन दोनों चीजों का मतलब एकदम अलग अलग है। बोलो, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ गया ये? सर रोज क्लास लेंगे? नहीं भैया, रोज क्लास नहीं होती, रोज क्लास होती है कैरवेल ऐप पे होती है, ठीक है ना? आगे आ जाते हैं, ये बात सभी को समझ आ गई, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज आप मुझे बताइए, एबीसी की होल पावर एन। देखिए होल पावर एन, होल पावर एन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं 6 की पावर 5 है, तो 6 की पावर 5 का क्या मतलब है? 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, और उसकी होल पावर 5 हो गया, होल पावर 5। तो आप ये समझिएगा कि जैसे यहां पे 2 और 3 ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, 1 बेस 2 है 1 बेस 3 है, अगर होल पावर 5 कर रखा है तो आप दोनों अलग अलग बेस पे पावर कर दीजिए, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि 2 की भी 5 बार गुणा करनी है और 3 की भी 5 बार गुणा करनी है। सबको समझ आ गया? ठीक है, तो आप यहां से देखिए एबीसी की होल पावर एन, अगर एबीसी की होल पावर एन है, देखिए बेस अलग अलग है, यहां बेस ए है, यहां बेस बी है, यहां बेस सी है, और अगर पावर एन कर रखा है मेरे दोस्त, तो एक बात बताइए, अगर पावर एन है तो अलग अलग पावर कर दीजिए, ए की पावर एन अलग, बी की पावर एन अलग, और सी की पावर एन अलग, सारे बेस की अलग अलग पावर्स कर देनी। बोलिए, ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा रूल है जो पूरे मैथमेटिक्स में लगाना है आपको, क्लियर है? और ये गुणा ही है दोस्तों, कुछ नई चीज नहीं है, गुणा ही है। आप इस गुणा को सिंपल लार्जर वे में लिखिए तो यही चीज आ जाएगी। सबको समझ आया? आगे की बात करते हैं। देखो दोस्त, अगर हम भाग करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, हम आपसे करते हैं 5/2 की पावर 5/2 की होल पावर 7
5/2 की होल पावर 7। तो इसका मतलब क्या, देखिए ये एक फ्रैक्शन है, अंदर जो है फ्रैक्शन है, ये 5 न्यूमरेटर है और 2 इसका डिनोमिनेटर है, 5 अंश है और 2 इसका हर है। अब पावर 7 है तो आप एक बात बताइए, यहां पे होल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हर एक नंबर की पावर 7 हो गई, तो आप न्यूमरेटर जो है, जो अंश है आपका 5, 5 की अलग पावर कर सकते हैं 7, और इसका डिनोमिनेटर है 2, 2 की अलग पावर कर सकते हैं 7, 2 की पावर 7। सेम चीज डिवाइड में भी होगी और सेम चीज मल्टीप्लाई में भी होगी। a बाई बी की होल पावर n क्या होगा, न्यूमरेटर यानी कि a की पावर भी n कर दीजिए और डिनोमिनेटर अंश, डिनोमिनेटर हर हर b है, b की पावर भी n कर दीजिए, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है b वो जीरो नहीं होना चाहिए, कि अगर b जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगी। आप किसी भी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन मतलब मैथमेटिक्स में उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उस चीज को हम कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसका मतलब कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सबको समझ आ गया, क्लियर है, आगे चलें नेक्स्ट। तो मैंने आपको छोटी छोटी सी बातें बताई, सिंपल सी आप मुझे बात बताइए ये नेक्स्ट चीज। देखिए दोस्त, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ए की पावर अगर कोई फ्रैक्शन है, ए की पावर पी बाई क्यू है, ए की पावर पी बाई क्यू है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर पी इंटू 1/q। बोलो हाँ, पी बाई क्यू का मतलब क्या है, ए की पावर पी इंटू 1/q। आप बोलोगे हाँ जी सर, और मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, अगर आपको पता हो ए की पावर पी इंटू 1/q, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर पी और दोस्त उसकी होल पावर 1/q। समझ में है ना कि पावर की आपस में गुणाई हो जाएगी। p इंटू 1/q का मतलब क्या है, p इंटू 1/q, तो अगर ये p इंटू 1/q लिखा हुआ है तो आप इसको होल पावर में लिख सकते हो, a की पावर p और उसकी होल पावर 1/q, सेम जो हमने पिछली बात बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी और नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही बातें सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज होंगी। देखिए दोस्त, अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, अगर दो संख्याएं बराबर हैं, पावर्स में लिखी हुई हैं, इंडाइसिस की फॉर्म में लिखी हुई हैं, अगर उनका बेस सेम है, अगर दोस्तों उनका बेस सेम है, अगर बेस सेम है, a की पावर m बराबर है a की पावर n के, अगर बेस सेम है, तो केवल और केवल वो संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं जब उनकी पावर भी सेम हो, यानी कि m भी n के बराबर हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, अगर दो संख्याएं बराबर हैं, सेम हैं, है ना, बराबर का साइन लगा रखा, यदि a की पावर m बराबर है a की पावर n के, उनका बेस सेम है, a और ये a बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो ये दो संख्याएं केवल तभी बराबर हो सकती हैं जब इनकी पावर यानी कि इनकी घात भी सेम रहे, अदरवाइज ये चीज हो ही नहीं सकती, गलत रहेगी। अरे बोलिए, अरे समझ आया कि नहीं। ठीक, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल करके बताता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई 2x-5 = 8, 2x-5 = 16 कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। 2x-5 अगर 16 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। एनटीपीसी के पेपर में, आरआरबी के पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, देखिए कि नहीं। यदि 2x-5 अगर 16 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तीन, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2x-5 कितना है, 16। यहां देखे, यहां बेस 2 है,
यहां बेस कितना है 2, जबकि यहां है 16। पर ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16। ये बात अच्छी तरीके से सभी लोगों को दिखाई दे रही है कि यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, दोनों जगह आधार 2 है और ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं। तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं अगर, तो ये केवल तभी संभव हो सकता है जब इनकी पावर भी बराबर हो, दोनों की पावर भी बराबर हो। यानी कि 3x-5 किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों? 4 के। तो 3x कितना आ जाएगा? 5 + 4 9, 3x आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों? 3, x आ जाएगा 3। बोलो इसमें कोई परेशानी है? सबको समझ आएगा? देखिए इसका उल्टा भी एकदम ट्रू है, अगर दो संख्याएं a की पावर m बराबर है b की पावर m के, अगर दो संख्याएं बराबर हैं a की पावर m बराबर b की पावर m के और पावर दोनों की सेम है, अगर पावर दोनों की सेम और दो संख्याएं बराबर हैं तो सेम तभी हो सकता है जब बेस भी सेम हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पावर से पावर काट लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m से m कट जाता। तो अगर पावर बराबर है, यहां भी पावर m में यहां भी पावर m में, इसका मतलब दोनों का बेस a और b क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा, बेस ए बराबर बेस बी। सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ आपको कैरविल ऐप पर मिलेगी, वहां पे आप जाएंगे, जैसे आप बैच की कैटेगरी में जाएंगे वहां नोट्स का ऑप्शन आता है, आप नोट्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, पीडीएफ भी बाइलिंगुअल है और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको बाइलिंगुअल ही, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, दूसरी बात, अगर आप किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो हमेशा 1 आता है। अगर आप किसी भी संख्या की पावर, किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0। अगर आप अदर देन 0 किसी भी नंबर की पावर 1 करते हैं, हम आपसे कहें 16 की पावर 0 कितना होगा, अगर पावर 0 है मेरे प्यारे भाई तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है ना? ठीक, कोई परेशानी? आगे चलते हैं, दूसरी बात, नेगेटिव पावर के बारे में समझना है आपको। नेगेटिव पावर भी जानते होंगे, जैसे हम ये कहें 1/5, ये फ्रैक्शन है 1/5, हमने लिखा 1/5, 1/5। हालांकि 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2 होता है, लेकिन 1/5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर -1। ये हमने एक नोटेशन, ये हमने सिंबल बना लिया रेसिप्रोकल लिखने का, जस्ट ये हमने एक सिंबल बना लिया। जैसे 1/5 है तो यहां पे 1/5, ये 5 का रेसिप्रोकल ही तो है, 5 का उल्टा ही तो है 1/5। तो अगर 1/5 है तो इसको लिखने का तरीका है कि बेस 5 रखिए और पावर कर दीजिए -1। तो जहां भी 5 की पावर -1 दिखेंगे तुरंत समझ जाएंगे 1/5 है। तो a inverse का मतलब क्या है? 1/a, a should not be equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। पहले बता चुके हैं कि अगर a 0 हो गया तो ये चीज हो जाएगी दोस्त अनडिफाइन। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्या इसमें कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूं मैंने आपके सामने लिखा 3/4 और हमने आपके सामने लिखा 4/3 की पावर -1, क्या दोनों चीजें बराबर हैं कि अलग अलग हैं? क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं कि अलग अलग हैं? क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं कि अलग अलग हैं? ये 3/4 और 4/3 की पावर -1, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं कि अलग अलग हैं? यार ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं।
अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई यार, क्या चीज बताई कि ए इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन ए, ए इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन ए, इस बात में कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम आपके सामने इस तरीके से लिख रहे हैं कि 4/3 की पावर -1, 4/3 की पावर -1, तो इसका मतलब यह होता है कि 4/3 आपके लिए एक ही तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब है 1/4/3, 1/4/3। और अगर आप 1 से भाग करते हो किसी फ्रैक्शन को, तो भाग करना तो आता होगा, ये जब ऊपर जाएगा 4/3 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है 3/4, तो 1 × 3/4, ये 3/4 ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो मैं ये चीज भी यहां से कह सकता हूं, कहीं आप कंफ्यूज होने लगो, कि अगर एक्स बटे वाई है और ये वाई बटे एक्स है, तो एक्स बटे वाई, ये वाई बटे एक्स की पावर माइनस वन बराबर होता है एक्स बटे वाई के, बराबर होता है एक्स बटे वाई के। ध्यान रखना, जैसे हम ये कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है ए बाई बी, ए बाई बी को भाग करिए एक्स बटे वाई से, ए बाई बी को भाग करिए एक्स बटे वाई से, या फिर इसका मतलब ये होता है कि ए बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड करिए एक्स बटे वाई से। तो डिवाइड करना या इस तरीके से लिखना, दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई तकलीफ नहीं है। ए बाई बी को डिवाइड करना है एक्स बटे वाई से, तो जब आप एक्स बटे वाई से डिवाइड करते हो भाई, जब ये चीज ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, इसको उल्टा कर दोगे तो ये वाई बटे एक्स, ए वाई बटे बी एक्स, इसका मतलब क्या होगा, ए वाई अपॉन बी एक्स। ये सबको समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं, ये बात ठीक है। तो यहां पे हमने यही बात लिखी कि अगर कोई फ्रैक्शन है a बटा b, इसकी होल पावर m करते हो, तो अगर पावर माइनस m करोगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगी, a बाई बी का उल्टा कितनी हो जाएगी, b बाई a। ठीक, सबको समझ आया? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं दोस्त, -1 की पावर n। अब माइनस वन जो है एक बड़ा खास नंबर है। देखो ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि 1 की आप कुछ भी पावर कर लो, 1 की पावर एनीथिंग हमेशा 1 होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में एक यूनिक नंबर है, 1 की कितनी भी पावर करो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन माइनस 1 के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप -1 की पावर कोई नंबर करते हो तो सब जो उत्तर आने वाला है ये डिपेंड करेगा पावर्स पे। आप -1 की पावर n कर रहे हो, तो अगर पावर इवन हुई तो उत्तर आएगा +1, और अगर पावर ऑड हुई तो आंसर आएगा फिर -1। ये बात समझ आ गई? पावर इवन होने से क्या फायदा होगा, जैसे हमने -1 की पावर 4 कर दी, इसका मतलब यह होगा -1 × -1 × -1 × -1, तो -1 × -1 + 1 हो जाएगा, फिर यह माइनस हो जाएगा और यह फिर प्लस हो जाएगा, तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर +1 ही आएगा। लेकिन अगर ऑड रहेगी पावर तो हमेशा -1 आएगा। ये था आपका इंडिसेस के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं ये सारी की सारी आपके दिमाग में बैठी हैं। इसमें से अगर इन 3 स्लाइड के पैटर्न में, कि सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाई कि इंडिसेस होता क्या है, क्या बेस होता है, क्या पावर होता है, इंडिसेस के बेसिक बेसिक से नियम क्या है, डेफिनेशन है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है ना, होल पावर करने पे क्या होता है, ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, उसके बाद बेस को कैसे कंपेयर करना है, पावर को कैसे कंपेयर करना है, इनवर्स का क्या मतलब होता है, ये सब समझ में आया है? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक, अगर ये बात समझ में आई है तो आप मुझे बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन करके बताइए। सवाल नंबर 1, बताइए भाई जल्दी से।
आया 33 बता रहे हैं, मतलब शर्म नाम की तुम्हें कोई चीज बची नहीं है, बताओ 33 बता रहे हैं। इतना सब कुछ सिखाया, इतनी बातें बताई, उसके बावजूद भी 33 आंसर बता रहे हो यार, कैसे काम चलेगा, हद है। अभी तक मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाई है वही चीज लगेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है, कुछ भी जो लगे। स्लाइड की भी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, हैं? इधर देखो, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33। अरे किसी संख्या को 3 बार जोड़ दे रहे हैं, अरे किसी संख्या को 3 बार जोड़ दे रहे हैं तो वो संख्या खुद का 3 गुना हो जाएगी। ये क्या होगा, 3 की पावर 33 का 3 गुना, 3 की पावर 33 का 3 गुना। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे देखिए, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, इसका क्या मतलब है, किसी संख्या को 2 बार ऐड कर दो यानी कि वो खुद का दुगुना हो जाएगी, है ना, 2 की पावर 33 का दुगुना है भाई। अभी क्या मैंने आपको चीज नहीं पढ़ाई, 1 सेकंड पहले ही तो बताया कि गुणा में, यह गुणा ही तो है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही तो होता है, मल्टीप्लाई तो होता है, ये सब मल्टीप्लाई में तो है। ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 33 है, गुणा में पावर जुड़ जाती है दोस्तों, तो क्या 3 की पावर 34 नहीं हो जाएगा, 33 और 1 34। कब समझोगे, बुढ़ापे में समझोगे है भाई। ये 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 33 है, बेस तो सेम है, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी तो क्या ये 2 की पावर 34 नहीं आएगा, 2 की पावर 34। बोलो हाँ, आएगा कि नहीं आएगा, बताना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यार, कब सुधरोगे कि यहां भी पावर 34 है, यहां भी पावर 34 है, पावर दोनों जगह सेम है। अगर पावर दोनों जगह सेम है तो हम इसको एक चादर में लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणा 2 की होल पावर 34, एक ही चादर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6, ये 6 की पावर 34 है, बताओ। इतना स्लोली स्लोली मैंने समझाया, पेपर में ऐसे करोगे तो एग्जामिनर वाला ढूंढ के तुम्हारी जो है कॉपी ना वहीं से तुम्हें रिजेक्ट करेगा, ढूंढ के, समझे ना, रिसर्च टीम लगेगी तुम्हारे ऊपर की हटाओ इस बालक को। ये सब मेंटली करना था दिमाग में, ये सब लिखना ही नहीं है, है ना, अभिशाप है ये कॉपी में लिखना और करना है। तो सॉल्व करके पूरा कितना है, 6 की पावर 34, और इधर बराबर है 6 की पावर x है बच्चे। बहुत बेसिक सी बातें। राकेश, राकेश कह रहे समझ नहीं आया, बताओ राकेश के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए ऐसे बच्चों को, ऐसे सवाल समझाने के बाद, इतना स्लोली बताने के बाद, अगर कोई बच्चा ये कहता है सर नहीं समझ आया तो उसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, हैं? हैं? अरे आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, 6 6, बेस दोनों का सेम है 6 6, अगर बेस सेम है और ये दोनों चीजें बराबर हैं तो पावर भी सेम होगा, मतलब एक्स किसके बराबर होगा, 34 के बराबर होगा। और ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर था पहला। लग रहा राकेश तुम्हारी रजाई किसी ने छीन लिया, इसी तभी तुम्हारे मन से ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं, ठीक। मार काट दिया जाए, बिल्कुल। सबको समझ आया, कोई परेशानी, आगे चलते हैं दोस्त। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 2, सब प्रभु की माया है, पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, अब भी ना कर पाए तो भैया तुम्हें 2 कोड़े मिलने चाहिए। 8 की पावर 3x-5 बराबर 1/32 की पावर 7-4x, तो x का मान क्या हो, इतना सही सवाल आएगा और इतना ही लिखा होगा, यदि ये बराबर ये है तो x बराबर क्या है, कितने रुपये x की वैल्यू है, 2 रुपया से ज्यादा नहीं है, बताओ फटाफट। आग लगा दूंगा, आशुतोष तिवारी बहुत जरूरत है, ठीक है, खुद में मत लगा लेना।
देखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत सुंदर टिकाऊ मजबूत से सवाल है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, बस बेस को सेम बनाना है, बेस को सेम बनाना है। अगर बेस सेम बन गए तो पावर अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, ये आठ है, आठ क्या होता है? अरे आठ है, यहां 32 है, आठ होता है 2 की पावर 3 और 32 होता है 2 की पावर 5 है भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी है भाई, ये 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आ जाएगा। ये 8 क्या है मेरे प्यारे भाई? 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये 8 है, उसकी होल पावर चढ़ा हुआ है 3x-5। बोलो बच्चे कोई तकलीफ? बराबर मेरे दोस्त 1/32, 32 का है, 32 होता है दोस्त 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर है 7-4x, 7-4x। तो यहां पे बेस तो 2-2 बन रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा औकात में। आप ये बात समझे, अभी तो समझाया कि a की पावर m की होल पावर n करेंगे तो पावर को आपस में प्रेम करा देंगे, गुणा करा देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 की इसमें गुणा होगी तो 9x-15 है, 9x-15 है। बोलिएगा, बोलो हाँ। बराबर मेरे प्यारे भाई, 1/2 में चल रहा है सारा का सारा, उदास है 2 की पावर 5 की होल पावर है 7-4x, तो पावर की आपस में गुणा होगी 5×7=35-20x, 35-20x। बोलिए ये बात समझ आती है? अभी अभी समझाया है कि 1/ किसी भी नंबर की पावर अगर n है, a की पावर n है, तो आप उसको a की पावर -n लिख सकते हो, है ना, 1/a^-n लिख सकते हो। जैसे 2 की पावर 35-20x है ना, तो आप इसको, ये 2 की पावर 35-20x है, तो आप इसे 2 की पावर रिवर्स कर देंगे, -1 कर देंगे, तो क्या 2 की पावर 20x-35 नहीं लिख दोगे बच्चों? बताइए। अरे 35-20x में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 20x-35 नहीं हो गया? बोलो। तो आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक समझ जाओगे बच्चों। लिख दिया ना, सबको दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर दोनों का बेस सेम है, यहां भी 2 है यहां भी 2, अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। पावर सेम होगा तभी तो बात बनेगी, तो पावर को इक्वल करेंगे। अब बच्चा ना एक एक स्टेप लिखता है ऐसे, फिर पावर को बराबर करेगा, फिर पक्षांतर करेगा, वैसे टाइम वेस्ट होता है। अरे दिमाग में ही करना है सब कुछ, अलग से पावर बराबर करने की जरूरत नहीं, यही कर दो। अगर 9x-15 20x-35 के बराबर है तो 9x उधर ले आओ, 20x-9x 11x, -35 इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 35-15 20, तो 20 बराबर आ जाएगा 11x, 20 बराबर 11x, तो x कितना बचेगा? x की वैल्यू है 20/11 और b ऑप्शन उत्तर है। बोलिए इसमें कोई तकलीफ है? CHSL में, CPO में, MTS में, RRB में, इवन SSC प्री में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं। देखो सबका 20/11 आ रहा है, वेरी गुड यार। चलिए आगे चलता हूं, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने समझाया है, वही चीज लगाऊंगा, उससे ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? 625×2x-3 बराबर ये है, UPSI एग्जाम 2011 का पूछा हुआ है, जल्दी से बताइए। अगर ये बराबर ये है तो x बराबर क्या है? अगर ये सवाल तुमने कर दिया तो अगले दरोगा तुम हो, है ना, ठीक है, बन जाओगे क्या? बना दो मुझे। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं है ना, देख के डर जाते हैं। मैंने पहले बोल दिया
कि टॉपिक सरल है लेकिन देखने में भयानक लगता है। जितनी मैंने बातें पढ़ाई बातें उतनी ही हैं, आधे घंटे में सारा बेसिक समझा उतना ही है, लेकिन करना आना चाहिए। देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उड़ा देना है हवा में। बोलियो, जूम ही तो है और कितना जूम करें यार। चलो अब ठीक है, 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6। देखो ध्यान से देखिए, सवाल दिख रहा है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, ये बीच में एक आ गया। आहा, यहीं से तुम्हारा सवाल जो है वो अच्छा हो जाता है। हमने एक चीज बताई कि 1 की पावर n जो है दोस्तों एक होता है। 1 की कितनी भी पावर करो, 1 इज वेरी क्यूट नंबर। 1 की कितनी भी पावर करो, 1 ही रहेगा, है ना? ना उदास होगा ना खुश होगा, 1 ही रहेगा। तो आप एक बात बताओ, जब भी हम पावर की पावर करते जाते तो ऊपर से झाड़ू लगाते आते, ऊपर से समेटते आते, तो आप खुद बताओ ये जो चीज लिखी हुई है यहां पे, ये जो चीज लिखी हुई थी एक की पावर 14 की पावर 18 है दोस्तों, ये एक ही तो है, ये एक ही तो है। इसका मतलब ये एग्जामिनर ने आपको केवल डराने के लिए लिख दिया, ये एक ही तो है। दिस इज वन और 6 की पावर 1 करोगे 6 ही आएगा, इसको जरूरत ही नहीं थी, है भाई? ये एक ही तो है, 6 की पावर 1 करोगे 6 ही आएगा। सवाल केवल इतना था जो आपके सामने दिख रहा है। बोलो हां हां कि ना। तो आप कहोगे सर अब भी कैसे होगा, दिमाग खराब है, यहां तो 25 है, यहां 625 है, कैसे करें, बहुत दुख है। देखो बच्चा 625 जानते ही हो, 25 का स्क्वायर है। सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिस्क्लेमर है, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, है ना, और 1 से लेकर 20 तक कम से कम क्यूब याद कर लो, और 30 तक पहाड़े याद कर लो, ठीक है ना। चलें, अब जैसे 625 है, 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं, 25 का स्क्वायर और उसकी पावर 2x माइनस 3 और बराबर है 25 टू द पावर 6। बोलो सही है। तो यहां पे होल पावर हो रही है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 25 की पावर 4x माइनस 6 बराबर 25 की पावर 6। बोलो हां। तो अब देखे ना, बेस सेम है, बोलो ना, यहां भी बेस 25 हो गया, यहां भी बेस 25 हो गया, तो देखो पावर भी सेम होनी चाहिए ना। 4x माइनस 6 किसके बराबर आ गया, 6। तो 4x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 6 12, तो x की वैल्यू 3। तो इस सवाल का उत्तर दोस्तों 3। बोलिए, सबको समझ में आएगा? कोई बच्चा 4 कैसे बता रहे थे यार, तुम कैसे काम चलेगा तुम लोगों का, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, इसको कौन करेगा, जल्दी से करिए। ये वाला सवाल सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ है। यदि x बटा y की पावर 5 माइनस 3 है और y बटे x की पावर 17 माइनस 3 है, तो a का मान बताइए मेरे प्यारे भाई। बहुत ही सुंदर सी बात है। देखिए, मैंने आपको एक चीज ये बात सिखा रखी है कि x बटे y की पावर n, इसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। x बटे y का उल्टा कर दीजिए, x बटे y का उल्टा y बटे x की पावर माइनस n। ये बात बताइए कि नहीं बताइए, बोलो हां बताइए। हां, तो जैसे दोस्तों यहां बेस है x बटा वाई, यहां है y बटा x, तो गड़बड़ है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। या तो x बटे वाई कर लो या y बटे x कर लो, इच्छा आपकी है, है ना, इतनी इच्छा चल सकती है बस तुम्हारी। अब जैसे x बटे वाई है, अगर मैं इसको y बाई x करूंगा तो पावर माइनस 1 हो जाएगी, पावर नेगेटिव कर दोगे, माइनस 1 कर दोगे पावर, तो 5 माइनस 3 में माइनस से गुणा कर दोगे तो 3 माइनस 5 है, ये 3 माइनस 5 हो जाएगा और बराबर
y बटे एक्स की पावर 17 माइनस 3 है, 17 माइनस 3 है, बोलो हाँ। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो यहां पावर भी सेम होगी, पावर को सेम कर देते हैं, है ना, क्योंकि बेस तो सब जगह दिख ही रहा है। तो माइनस 3 है उधर आएगा, माइनस 5a प्लस 3a माइनस 2a बराबर, मेरे दोस्त ये आपका 3 उधर जाएगा, 17 माइनस 3 14, तो a की वैल्यू 14 बटे माइनस 2 माइनस 7, तो सवाल का उत्तर है माइनस 7। कर पाओगे क्या? आगे चलें, नेक्स्ट। ये बताइए दो, सवाल नंबर 5, आया क्या? यदि x की पावर x की होल पावर 5/4 बराबर है x की पावर 5/4, तो x का मान क्या है? एनीबडी, एक भी बच्चा ऐसा जो इस सवाल का उत्तर बता सके उसको टॉफी दी जाएगी। सोनू कुमार बिल्कुल कराएंगे भाई, ये सवाल बता दो बस, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखिए मैं बताता हूं आपको, सिंपल सी बात है और सारे बच्चे इस बात को समझते भी हैं कि एक्स की होल पावर 5/4 है, तो ये तो सर्वविदित है कि पावर की दोस्तों आपस में गुणा हो जाएगी। एक्स की होल पावर 5/4 है, इसका मतलब पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, एक्स इंटू 5/4 यानी कि 5/4x, 5/4x। बोले कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। और ये बराबर आपको दे रखा है एक्स की पावर 5/4 के, आप बोलोगे यस सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ है, सही है। ठीक है ना, आपको हमारी बात समझ में आ गई? तो आप बोलोगे हां जी सर। अब आप एक बात ये बताइए कि यहां बेस दोनों जगह सेम है, यहां भी बेस एक्स है यहां भी बेस एक्स है, अगर बेस दोनों जगह सेम है इसका मतलब ये होगा कि पावर दोनों जगह बराबर होगी। पावर जो देखो दोस्तों दोनों जगह बराबर होगी, पावर क्या है दोस्तों यहां 5/4x और वहां पावर क्या है मेरे प्यारे भाई, x की पावर 5/4 यही है। आप बोलोगे यस। अब तक किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, अब तक जो है किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। समझ में आया सर? 5/4 होगा, 5/4 ही तो है, मैंने कहीं कुछ और लिख दिया क्या? 5/4x बराबर x की पावर 5/4 सेम है। अबे यहां बेस एक्स है यहां बेस एक्स है, तो यहां x की पावर 5/4x है, यहां x की पावर जो ये कंप्लीट है दोस्तों, यहां x की पावर ये कंप्लीट है, x की पावर 5/4 बराबर कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्त, बच्चा जानता है जैसे x की पावर 5/4 है, तो 5/4 का मतलब क्या होता है? 5/4 का मतलब होता है 1+1/4, 1+1/4 ही तो 5/4 होता है, 1+1/4 ही तो 5/4 होता है, बोलो हां सही है ना। एक एक स्टेप मैं आपको 1/1 बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो बड़े बड़े सवाल आसानी से कर लोगे। भैया यहां ज्यादा देख के घबराना नहीं है, बेस पकड़ लो, बेस दोनों जगह एक्स एक्स है, ये इसलिए मैंने सर्कल कर दिया, तो जो भी पावर है जो भी कूड़ा कचरा पावर में चढ़ रहा है सब बराबर कर दो। यहां 5/4x है, यहां x की पावर 5/4 है ना। अब मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है क्या? a की पावर m
प्लस एन। भैया पाप गुणा में पावर जुड़ जाते तो इसका मतलब यही तो रहा होगा, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। अगर यहां पावर प्लस हो रही है गुणा में पावर जुड़ जा रही है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, बेस ए की पावर एम इंटू बेस ए की पावर एन, यही तो मतलब होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोस्तों ये x की पावर 1 प्लस 1 बटे 4 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 बटे 4 है, तो प्लस है, तो इसका मतलब ये हो गया x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 बटे 4। बोलिए क्या इसमें कोई परेशानी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, अब तक तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। बोलिए सही। अब देखिए x की पावर 1 x ही होता है, ये x से x जो है ये आपका कट जाएगा, क्योंकि x 0 तो हो नहीं सकता, x 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 हो गया तो सवाल का ही कोई मतलब नहीं, औचित्य ही नहीं रह जाता, तो हम ये x से x हटा दिया। तो इसका मतलब बचा क्या, इसका मतलब इतना साधारण सा आया है कि x की पावर 1 बटे 4 जो है, x की पावर 1 बटे 4 जो है वो 5 बटे 4 के बराबर आ गई। x की पावर 1 बटे 4 जो है वो 5 बाई 4 के बराबर आ गई है। ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? बोलो तकलीफ नहीं है। अब लेकिन हमें तो सवाल में x निकालना था, ये x की पावर 1 बटे 4 आया है, बच्चों हमें x निकालना है, x की पावर 1 निकालना है, यहां तो पावर 1 बटे 4 है, तो पावर 1 बटे 4 नहीं चाहिए, पावर 1 चाहिए। तो x की पावर 1 बटे 4 को दोस्तों पावर 1 बनाने के लिए ऐसा करते, दोनों तरफ से पावर 4 करते ना, दोनों तरफ से होल पावर, ये बटे चार दिख रहा है ना, बटे चार की शकल देख के दोनों तरफ हमने पावर 4 कर दिया, ये 5/4 की पावर 4। बोले क्यों? ओके, 1/4 इंटू 4 पावर, होल पावर में तो मल्टीप्लाई होगी, 1/4 इंटू 4 1 ही आ जाएगा, तो x की पावर 1 ही हो गया x, तो x आया 5/4 की पावर 4, और 5 × 25 = 125 × 625 और ये आ जाएगा 4/4, बेस है ना, अलग अलग करेंगे, 4/4 करेंगे तो 256 आएगा। तो उत्तर 625/256 है, बी ऑप्शन। ये एक प्री लेवल का सवाल है, ठीक है ना, मेंस लेवल का भी नहीं, एक प्री लेवल का क्वेश्चन है। बताओ अगर इसमें किसी को तकलीफ आई हो तो। सॉरी, अब सब आवाज आ रही है? अरे बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अभी तक हमने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करी इंडिसेस घातांक के बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, शर्ट्स, शर्ट्स करनी के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं, बहुत सिंपल सी बातें, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्त मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर 5 जो है, x की पावर 5 जो है मेरे प्यारे भाई वो 32 है,
तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 5 32 ना लेके हम लोग यहां पे 64 ले लेते 64, x की पावर 5 जो है दोस्तों 64 है, तो आप एक बात बताइए x की वैल्यू क्या होगी। नाउ अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूं। x की पावर 5 64 है और मैं आपसे कहता हूं x की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे समझते हैं फिर सब लोग आ जाएंगे इस चीज पे। तो आप ये कहोगे सर आपको x की पावर 5 दिया है तो हम x की पावर 1 निकालना चाह रहे हैं, बड़ी पावर 5 से पावर 1 पे आना चाह रहे हैं, कैसे करोगे। तो आप ये बोलोगे सर x की पावर 5 है और आप हमसे निकालना चाह रहे हो x की पावर 1, तो आप क्या करोगे सर कुछ मत करो दोनों तरफ से 1/5 कर दीजिए पावर, दोनों तरफ से 1/5 कर दीजिए पावर, 1/5 कर दीजिए दोनों तरफ से, ओके। हमें तो पावर 5 से पावर 1 में जाना है तो 1/5 करना होगा पावर को, 1/5 करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों किया, उसके भी पीछे भी कारण है वो भी बताऊंगा मैं आपको। x की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5 है, तो इसका मतलब क्या, पावर की तो आपस में गुणा हो जाएगी, x की पावर 5 × 1/5 बोलो, और ये हो जाएगा 64 की पावर 1/5, 64 की पावर 1/5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा, x की पावर 1 ही तो बचा, तो x की पावर 1 आया 64 की पावर 1/5, x की पावर 1 आया 64 की पावर 1/5 बोलो। अभी भी बच्चे दो आंसर बता रहे हैं, अभी भी दो आंसर बता रहे हैं। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 64 की पावर 1/5, है ना। कोई कैलकुलेट कर सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है, नहीं कर सकते। तो x की जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो आई 64 की पावर 1/5, बात समझ में आई। तो ये चीज लिखने में, इसको लिखने में इंसान को प्रॉब्लम महसूस हुई तो इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका ढूंढा, 64 की पावर 1/5 है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका ढूंढा, उसी को हम षड् कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे 64 है, 64 की पावर 1/5 है, देखिए पावर फ्रैक्शन में होगी, पावर 1/5 है, तो आप यहां पर लगाइए इस तरीके का साइन और यहां पर लिख दीजिए दोस्तों 5। ये 5 क्या डिनोट करता है, 5 यही डिनोट करता है कि पावर 1/5 है, ये 5 क्या डिनोट करता है कि 64 की पावर 1/5 है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर आप कहीं ये नंबर पाते हो 64 और यहां पे लिखा हुआ है 5, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे नंबर के बारे में बात कर रहे हो, आप एक ऐसे नंबर के बारे में बात कर रहे हो जिसकी 5 बार गुणा करके, आप एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हो जिसकी 5 बार गुणा करके 64 आ जाए, आप एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हो जिसकी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए। क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, जैसे ये चीज सबको समझ में आ गई। मैं आपके सामने एक और चीज लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा 4√81, बताइए इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 81 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 यही मतलब होता है। तो जब भी आप ऐसे कहोगे 81 और ये यहां पे 4 लिखा हुआ, ये सिंबल बनाकर आप 4 लिख दोगे, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो 81 ये बेस है और इस 4 का मतलब है पावर 1/4। और ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग एक ऐसी संख्या बताओ दोस्तों, एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए। एक इसका उत्तर क्या है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, एक ऐसी संख्या जिसको 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए, तो ऐसा नंबर है 3। 3 की 4 बार गुणा करोगे, 3 × 9 = 27 × 81, क्योंकि 81 क्या है दोस्तों, 81 है 3 की पावर 4, है ना, और उसकी होल पावर 1/4, बात समझे। तो 3 की पावर 4
गुणा एक बटे चार, यही हो जाएगा। और चार से जो चार कट जाएगा तो तीन की पावर वन तीन, तो वैल्यू तो इसकी तीन है। और ये तीन मैथमेटिकली क्या समझाना चाहता है, तीन एक ऐसी संख्या है जिसकी चार बार गुणा करके मेरे प्यारे भाई 81 आता है। तो अगर मैं यहां से तीन लिखूंगा तो तीन की वैल्यू होगी 81 की पावर एक बटे चार। तो पावर एक बटे चार का मतलब क्या होता है, 81 की पावर एक बटे चार का मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जिसकी चार बार गुणा करने पर ये 81 आता हो। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बात समझ में आई? चले अब आगे चलते हैं। तो अगर हम आपके सामने इस तरीके से लिखते हैं कि x की पावर n जो है बराबर a है, x की पावर n बराबर a है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि x की n बार गुणा कर दो तो a आना चाहिए। यही तो मैथमेटिकल मीनिंग है, x की n बार गुणा कर दो तो a आना चाहिए, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। नाउ अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो दोनों तरफ से पावर 1 बाई एन करना पड़ेगा। दोनों तरफ से पावर 1 बाई एन करोगे तो ये तो पावर 1 हो जाएगा और यहां आ जाएगा a की पावर 1 बटा एन, a की पावर 1 बटा एन। क्लियर? कोई परेशानी? इसका मतलब a की पावर 1 बटे n का मतलब एक ऐसी संख्या, x एक ऐसी संख्या है जिसकी n बार गुणा करने पर ये a आएगा। दोनों बातों का एक ही मतलब है। और इसी a की पावर 1 बटे n को लिखने का आदमी ने एक तरीका ढूंढ लिया, इस तरीके से सिंबल बनाएंगे a और यहां पे n लिख देंगे। और आपको यह भी समझना है कि जो इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है। और ये जो बाहर n लिखा हुआ n, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ड, ये शर्ड का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ शर्ड। सभी को मेरी बातें समझ में आ गई? तो शर्ड कोई नई चीज नहीं है, ये जो कंप्लीट है अपने आप में, इस कंप्लीट को, इस ये जो कंप्लीट है इसको हम शर्ड यानी कि कर्णी बोलते हैं, सही है। तो शर्ड कोई अलग नई चीज नहीं है, ये पावर ही है, घातांक ही है, लेकिन फ्रैक्शनल पावर है, वन अपॉन समथिंग में, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट बात, सेकंड बात हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। सबको सही दिख रहा है ना? अरे यार सबको सही दिख तो रहा है ना? बोलो, हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है ना। चले दूसरी बात आगे समझते हैं। अगर हम दो संख्याओं के प्रोडक्ट की शर्ड लगा दें और उसका ऑर्डर एन कर दें, इसका क्या मतलब है, ए बी और इस तरीके से लिख दी हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये ए बी की पावर एक बटा एन है, मतलब हमने ए बी की पावर एक बटा एन कर दिया, यही तो है, ए बी की पावर एक बटा एन, सही। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी अभी हमने घातांक में इंडिसेस में पढ़ाया है कि अगर दो संख्या हो या तीन हो या चार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर होल पावर एक बटा एन है तो आप इनकी अलग अलग पावर कर सकते हो, ए की पावर भी एक बटा एन कर सकते हो और बी की पावर भी एक बटा एन कर सकते हो, ए की पावर भी 1 बाई एन कर दोगे, बी की पावर भी 1 बाई एन कर दोगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हां जी सर, और दोस्त ये जो ए की पावर 1 बाई एन है आप इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त ए, और इस शर्ड का ऑर्डर एन मल्टीप्लाई बाई बी, और इस शर्ड चढ़ेगी शर्ड का ऑर्डर एन, nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, इसको बोलते हैं रूट। अगर हम आपके सामने लिखते हैं अंडर रूट ए, ध्यान समझना, तो इसका मतलब जो होता है ये बिना कहीं मान लिया जाता है कि यहां पावर 2 है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या बोलेंगे हम इसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ए का वर्गमूल, मतलब एक ऐसी संख्या पता लगानी है जिसकी दो बार गुणा करने पर ए आ जाए, जिसकी दो बार गुणा करने पर ए आ जाए, सही है। अगर हम आपके सामने लिखते हैं ए और यहां पे लिखते हैं तीन, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ ए, घनमूल, ए का घनमूल,
क्यूब रूट ऑफ ए, मतलब एक ऐसी संख्या पता लगाइए जिसकी तीन बार मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए। सही है, अगर हम आपके सामने लिखते हैं ए और यहां पावर है एन, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ ए, एक ऐसी संख्या पता लगाइए जिसकी n बार मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बोले समझ में आ गया? अच्छा क्लियर है, कोई परेशानी? वर्गमूल, घनमूल और एनवा मूल। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात समझिए, तो बड़ी सिंपल है, इसको मुझे अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर दोस्त फ्रैक्शन है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, फ्रैक्शन है ए बटा बी, मैंने इसका एनथ रूट किया, एनथ रूट, एनथ रूट करने का मतलब पावर वन बाई एन, ए बटे बी की पावर कितना किया दोस्तों? वन बाई एन। तो आप समझिएगा पावर वन बाई एन करने का मतलब होल पावर वन बाई एन, तो आप न्यूमरेटर की भी पावर कर सकते हैं वन बाई एन और डिनोमिनेटर की भी पावर कर सकते हैं वन बाई एन। और ए की पावर वन बाई एन का मतलब एनथ रूट ऑफ ए, और बी की पावर वन बाई एन का मतलब एनथ रूट ऑफ बी। तो यानी कि अगर आप यहां पे शर्ट्स का ऑर्डर एन कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग एनथ रूट करना है। सही है, आगे बढ़े, इसमें कोई परेशानी नहीं। चौथी बात आपको समझनी है दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपके सामने लिखा ये ए, और इसकी जो है इसका nth रूट है, और हमने इसकी होल पावर m कर दिया। बताइए दोस्त क्या मतलब है इसका? मेरे प्यारे भाई ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a और ये a का nth रूट है, इसकी मतलब, इसका मतलब a की पावर n, a की पावर n। क्लियर है? और दोस्त यहां पे हो गया तुम्हारा m, यहां पे हो गया मेरे प्यारे भाई m। सही है, तो आप बताइए a की पावर 1 बाई एन की होल पावर m है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो a की पावर हो जाएगा 1 बाई एन इंटू m, 1 बाई एन इंटू m। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर m इंटू 1 बाई एन है भी, चाहे दो तिया छह करो, चाहे तीन दूनी छह करो, आएगा यही ए की पावर एम बटा एन। अब आप ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे ये ए की पावर एम है, तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते इसकी होल पावर वन बाई एन? ए की पावर एम, उसकी होल पावर वन बाई एन, एक ही मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसका मतलब ए की पावर एम और उसका यहां पे क्या कर देंगे पावर वन बाई एन का मतलब nth रूट, nth रूट। सही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो सिंपल सा a की पावर m और उसका nth रूट भी होती है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। सही है, दोनों का मतलब a की पावर m बटा n ही है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो पांचवी बात है ये तो सेम ही है, कुछ भी मतलब नहीं है। हमने पावर 1 बाई एन किया, ये पावर n किया, भैया n ये 1 बाई एन है, ये पावर n है, तो n बटा n ये पावर 1 ही हो जाएगा, a की पावर 1 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आपने, ध्यान समझिए, आपने किसी नंबर की पावर mth रूट किया फिर उसका nth रूट किया, इसका क्या मतलब है? पहले आपने mth रूट किया फिर आपने nth रूट किया, ढंग से समझिएगा। देखिए जब भी इस तरीके से आपको शर्ट्स दिखाई देंगी, हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं, हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं, बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाएंगे। देखिए दोस्त आपको जैसे यहां पर क्या मिल रहा है, अंदर आपको ये दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं? अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो बाहर मत छेड़िए, बाहर बिल्कुल मत छेड़िए, ये आपका शर्ट्स है जिसका ऑर्डर जो है n है, और ये अंदर दिख रहा है mth रूट ऑफ a, यानी कि a की पावर 1 बटा m।
तो आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं, हम समझ गए आपकी बात को। बराबर मेरे प्यारे भाई, ये है ए की पावर 1/m। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? nth रूट लगा हुआ है, और nth रूट का मतलब होल पावर 1/n। nth रूट का मतलब होल पावर 1/n। क्लियर है? कोई तकलीफ? अब होल पावर करने का क्या मतलब है? होल पावर करने का मतलब पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 1/m और ये 1/n, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी 1/mn, 1/mn। सबको समझ आया? कोई तकलीफ? अब एक ही पावर 1/mn है, 1 तो है ही है और बटे mn आ गया, तो ये एक नई चीज बन जाएगी आपके लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही पावर 1/mn का मतलब a का mnth रूट निकालना है, एक ही शर्ट लगा देंगे और इसका ऑर्डर क्या रहेगा? mn। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? समझ में आया? अच्छा, जैसे मैं आपसे ये सब हटा दूं, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूं, अगर दोस्त मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि ए की पावर, यहां पे शर्ट्स पहले हमने एक्स चढ़ाई, फिर हमने दोस्त ये वाई चढ़ाई, फिर हमने दोस्त इस तरीके से जेड कर दिया शर्ट्स का ऑर्डर, फिर हमने ये डब्लू कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? पेपर में सवाल आता है ऐसा, इसका मतलब क्या है? पहले x, फिर y, फिर z, फिर w, बोलो। देखिए नंबर a की है a, आपको बस ढंग से समझना है कि पहले आपने x रूट किया, फिर आपने y, फिर आपने z, फिर आपने w, तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि a की पावर 1/x, फिर पावर 1/y, फिर पावर 1/z और फिर पावर 1/w, तो इसका मतलब हो गया a की पावर पहले 1/x, फिर 1/y, फिर 1/z, फिर 1/w, तो सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्त, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/xyzw, a की पावर 1/xyzw, यही तो मतलब है भैया? और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? a और a की शर्ट्स का ऑर्डर क्या रहेगा? xyzw मल्टीप्लाई में है, xyzw मल्टीप्लाई में है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बोलो। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज ये कहूं कि जैसे ये a है दोस्त, है ना, एक ए है शर्ट्स का एक्स रूट हो गया, फिर हमने यहां पे कर लिया जो है एम, इसकी होल पावर एम, ठीक, फिर हमने क्या किया, इसका वाई रूट किया और हमने इसकी होल पावर कर दिया दोस्तों एन, होल पावर कर दिया एन, फिर हमने क्या किया, इसका जेड रूट किया, फिर हमने उसकी पावर कर दिया दोस्तों ओ। इस बात का क्या मतलब है? किसी को समझ आता है? ऐसी ऐसी चीजें आपकी बुक्स में मिलेंगी 6ठी 7वीं क्लास में, है भाई, और पेपर में भी आते, देखने में भयानक लगती हैं, और लेकिन है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं इस बात का मतलब। अब आप एक बात बताइए, यहां पे ये बेस तो ए ही चल रहा है, अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो शर्ड 1/x, 1/y, 1/z, ये होल पावर में जा रहा है, पावर m, फिर n, फिर o, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा कह रहा है 1, ओ तेरी 1, अरे शर्म तो बची नहीं है, है मेरे भाई, आपको ये बात अभी तो समझाई, a है भैया, ए है, अरे यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जैसे ए की पावर एम है भी, उसकी होल पावर एन है और फिर उसकी होल पावर ओ है, तो इसका मतलब ए की पावर एम इंटू एन इंटू ओ हो जाता है, कब समझोगे तुम?
बुढ़ापे में होल पावर करने का मतलब पावर की मल्टीप्लाई करते जाना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए है, शर्ड का ऑर्डर एक्स है, फिर हमने इसका वाई कर दिया, फिर हमने इसका जेड कर दिया, तो ये पावर ही तो है। पावर वन बाई एक्स किया, फिर पावर वन बाई वाई किया, फिर पावर वन बाई जेड किया। अबे पावर वन बाई एक्स किया, फिर पावर वन बाई वाई किया, फिर पावर वन बाई जेड किया, तो ए की पावर वन अपॉन एक्स वाई जेड ही तो है। ये ए की पावर वन अपॉन एक्स वाई जेड ही तो है। बोलो कोई तकलीफ? तो आप ये समझ रहे हो कि यहां पे एम एन ओ आपने होल पावर भी किया एम एन ओ, तो ये एम एन ओ तो आएगा ऊपर, और बटा में क्या आएगा दोस्तों, बटा में क्या आएगा? और आप अगर नीचे देखो तो आपने एक्स रूट किया है, वाई रूट किया है, जेड रूट किया है, और नीचे आएगा बटा में एक्स वाई जेड। इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार, ए की पावर एम एन ओ। अच्छा ओ जीरो समझ रहे थे क्या? ओ है बेवकूफ हो, जीरो नहीं है वो, इतना तो कॉमन सेंस होता है। है भाई, अब समझ में आया कि नहीं समझ आया? अच्छा उसको ओ की जगह जीरो समझे तो वन आ जाएगा। मतलब ऐसे बालक हो जिनको जीरो और ओ में फर्क भी नहीं समझ आ रहा है। ठीक, अबे समझ आ गया तुम्हें कि नहीं? आगे चले। चलिए, तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई शर्ड्स के बारे में, इंडिसेस के बारे में। एक सवाल और आप मुझे करके बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 तो कर दिए ना आप, सवाल नंबर 6 जरा ये बताइए, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, जो इस सवाल को करेगा भैया टॉफी उसकी है। बताओ टॉफी से मतलब समझते हो? टॉफी का मतलब गोली है ना, जो गवर्नमेंट देती है वही। x की पावर x रूट x बराबर x रूट x की होल पावर x, तो x क्या है? पहले तो आपको ये तकलीफ अपनी दूर करनी चाहिए कि दिख रहा है ना ये ब्लू रूट x, रूट x क्या होता है बच्चों? रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। ये बात सही है? अच्छा ये बात सही है रूट एक्स का मतलब। अब आप बताओ एक्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स रूट एक्स समझ तो गए होगे, एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन, गुणा ही तो है, और रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर वन गुणा एक्स की पावर हाफ रहेगा, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, तो वन प्लस हाफ एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो एक्स रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर थ्री बाई टू। समझ में आया? अच्छा आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो हमें पता है, दिख रहा है ना सभी को? तो आप ये बात बताइए, ये x है दोस्त, x की पावर x रूट x है, तो x रूट x का मतलब क्या हो गया? x रूट x का मतलब x की पावर 3 बाई टू, x रूट x का मतलब x की पावर 3 बाई टू। बोल दो हां, आया मजा? आप बोलोगे यस सर। नाउ आप ये समझिए दोस्त, एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स अभी बताया, एक्स रूट एक्स क्या है? एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर थ्री बाई टू, और इसकी होल पावर एक्स। एक्स की पावर थ्री बाई टू और उसकी होल पावर एक्स। बोलिए कोई तकलीफ है इसमें? नहीं ना? हाँ अच्छा, तो आप बताओ होल पावर का क्या मतलब है? एक्स की पावर थ्री बाई टू होल पावर एक्स है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू एक्स। अगर इसमें कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं, बहुत एक्स है यहां पे, ठीक है ना? कैसे भैया कैसे? तो यार अब बता तो दिया, कैसे और कैसे बताएं? है भाई बोलो। आप एक बात समझिए कि यहां भी बेस बेस एक्स है, यहां भी बेस एक्स है, अगर बेस सेम है
अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, अगर बेस सेम है एक्स एक्स तो पावर भी तो सेम होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एक्स एक्स सेम है। तो यहां देखे एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 बराबर है 3/2 एक्स। बोलो कोई तकलीफ है क्या? एक्स की पावर 3/2 बराबर है 3/2 एक्स, ठीक है ना? क्लियर। अब देखिए बच्चा बच्चा जानता है एक्स की पावर 3/2 क्या है। एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है, एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है एक्स की पावर 1 गुणा एक्स की पावर हाफ, 1+2 3/2 होता है। ये जो एक्स की पावर 3/2 है ना ये कुछ और नहीं है, थोड़ा दिमाग तेज करिए, एक्स की पावर 1 गुणा एक्स की पावर हाफ, 1+2 3/2 एक्स रूट एक्स, सही है। तो आप एक बात बताइए एक्स से एक्स कट जाएगा, तो कटेगा नहीं तो एक्स जीरो तो है नहीं। तो कहने का मतलब आया क्या, एक्स की पावर हाफ किसके बराबर आ गया, 3/2 के बराबर है। तो एक्स की पावर हाफ यानी कि एक्स का अंडर रूट 3/2 है। लेकिन आपसे एक्स पूछा है तो एक्स निकालना है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो एक्स की वैल्यू होगी 3/2 का होल स्क्वायर, और 3/2 का होल स्क्वायर है 9/4। तो एक्स बराबर जो है वो डी ऑप्शन है, 9/4। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? गौरव यादव कह रहे हैं नहीं आया समझ। बताओ अगर किसी बच्चे को इसके बावजूद भी नहीं समझ आया है तो उससे कौन सी प्रजाति के पास छोड़ दिया जाए? है भैया चलिए देखिए आज मैं आपके लिए इतना ही छोड़ता हूं, इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आपको शर्ट्स और इंडिसेस के जो भी बेसिक रूल हैं, जो उनकी डेफिनेशन है, वो सारी बता दी हैं। शीट में कैरवी लैब पे अपलोड करवा दूंगा। ये एक लाइव बैच है, एक पेड बैच है जो कैरवी लैब पर रन हो रहा है, जिसकी आज पहली क्लास थी। इसकी आपको पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आप ये पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक एडवांस, तो आप कैरविल ऐप पे जाके वहां पे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो बाकी हम कल करेंगे सेम इसी टाइम। चलिए दोस्तों।